वूज, WOES, वूज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि एक बड़ी समस्या, या फिर बोल सकते हैं हम ट्रबल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो है मिजरीज और ट्रिबुलेस। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, या बिग प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं हम ट्रबल्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की मदद से भी हम लोग समझेंगे और विजुअल मीनिंग के तौर पर भी हम लोग इसे देखने वाले हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लिस, BLISS, ब्लिस, और सेकंड जो होता है वो होता है जुबिलेशन, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है खुश होना, या फिर आनंद की अनुभूति होना, या परमानंद लेना, ठीक है। ब्लिस और जुबिलेशन का सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं ए फ्लैट टायर, ठीक है, एक चपटा टायर ऑन द वे टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स मीटिंग वाज ए सिग्निफिकेंट वो, ठीक है। हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं और अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या दिखाती है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाती है। क्या दिखाती है? एक सिग्निफिकेंट वो दिखाती है। अगर आप इसी चीज को एक इमेज में देखना चाह रहे हो, तो जैसे हम यहाँ पर एक मीटिंग में जा रहे हैं और हम लोगों का गया गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो क्या होती है? हम कहीं भी कोई भी इमरजेंसी में जा रहे हैं, कोई भी बड़ी काम बड़े काम में जा रहे हैं, और अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होती है? वूज होती है, ठीक है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। WOES, वूज। आई होप आप लोगों को वूज का मतलब समझ आया होगा।